आज हम बात करते हैं संगीत में शास्त्र पक्ष। संगीत हमारा ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा अनुपम विषय है जिसकी तुलना हम अन्य विषयों से बिल्कुल नहीं कर सकते। ये इसको विषय न मान करके हम इसको एक साधना के दृष्टिकोण से देखें तो अधिक उत्तम होगा। क्योंकि आज ये शिक्षा में भी पूरी तरह से समाविष्ट हो चुका है और लोग बीए एमए पीएचडी डीलिट सब कुछ करते हैं और एक अच्छे विद्वान के रूप में ज्ञानार्जन करने के लिए अग्रसर रहते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो शास्त्र पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शास्त्र हमको नियमबद्ध करता है, अनुशासित करता है और उसी अनुशासन का अनुपालन करते हुए हम उस विषय को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पुराने ऋषियों ने तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे लिखे, लेकिन जो आज संगीत का वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप की अगर हम बात करें तो संगीत हमारा निरंतर परिवर्तनशील रहा है और उसका परिणाम यह है कि विभिन्न घरानों के विभिन्न कलाकार एक ही चीज को तरह तरह से प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं, चाहे वो हमारी बंदिशें हो, चाहे हमारा राग हो, चाहे हमारा ताल हो या उसकी वादन शैली हो, कुछ भी हो, वहां आपको एक रूपता देखने को नहीं मिलती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक विषय है।